जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज प्रमाणिक संत महामनामुराज प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज विराट सागर जी महाराज की। सिद्ध क्षेत्र सिद्धवर कोट जी की। भ्रम दुख का कारण है और यथार्थ के बोध से हम सुखी हो सकते हैं। संसार के ज्यादातर प्राणी भ्रम में जीते हैं। जब तक इस भ्रम का निवारण नहीं हो हम अपने दुखों का निवारण नहीं कर सकते। इस आशय की बात आप सबके मध्य कल की गई थी। जो यथार्थ दृष्टा होते हैं, मर्म दृष्टा होते हैं, उनके जीवन में कोई भ्रम नहीं बसता। वो सत्य के श्रद्धानी होते हैं और जिसके हृदय में सच्ची श्रद्धा प्रकट हो जाती है वहाँ भ्रांति की कोई जगह नहीं बसती। संत कहते हैं तुमने भ्रम में खूब जिया, अब सत्य के श्रद्धानी बन करके जियो। अपने हृदय में सच्ची श्रद्धा जगाने की कोशिश करो और तदनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। जिस दिन तुम्हारे हृदय में सच्ची श्रद्धा प्रकट हो जाएगी उसी दिन तुम्हारा सारा भ्रम पल में दूर हो जाएगा। आप ये सवाल कर सकते हैं महाराज श्रद्धा से भ्रम का निवारण कैसे होगा, हमारी श्रद्धा हमारे भ्रम को कैसे तोड़ेगी, है ना? ये सवाल आपको आ सकता है। हम लोग कहते हैं धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो देव शास्त्र और गुरु के प्रति श्रद्धा रखो। श्रद्धा रखो तो भ्रम कैसे टूटेगा? क्या श्रद्धा रखने से, देव की गुरु की धर्म की श्रद्धा रखने से शरीर और आत्मा की का भ्रम टूट जाएगा? क्या देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा रखने से परमेश सुख मानने की भ्रांति दूर हो जाएगी? क्या देव शास्त्र और गुरु के प्रति श्रद्धा रखने से परमे जो आत्मबुद्धि है वो समाप्त हो जाएगी? क्या देव शास्त्र और गुरु की श्रद्धा रखने मात्र से हम नश्वर को सत्य मानने के भ्रम से मुक्त हो जाएंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन यदि मेरे दृष्टि से देखोगे तो आप पाओगे कि श्रद्धा के जगते ही सारा भ्रम पल में दूर हो जाता है। आपके जीवन का भी अनुभव होगा कि श्रद्धा जहाँ रहती है वहाँ भ्रम नहीं होता। एक पल में श्रद्धा के जगते ही भ्रम दूर हो जाता है। आपने कभी अनुभव करने की कोशिश की? रात सो रहे हो, गहरी नींद में हैं, आप छोटे बच्चे हो, सो रहे, अचानक किसी के सख्त हाथों का आभास हुआ, सख्त हाथ का स्पर्श हो रहा है, सख्त स्पर्श, मन में एक बार की घबराहट हुई, ये क्या आ गया? आंखें खोली, देखा सामने माँ है, चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्यों क्यों? थोड़ी देर पहले कुछ और होने का भ्रम था, डर था, माँ है, अब कोई दिक्कत नहीं। क्यों? माँ पर श्रद्धा है। जहाँ श्रद्धा हो वहाँ कोई भ्रम नहीं होता और जहाँ भ्रम होता है वहाँ कोई श्रद्धा नहीं रहती। अब मैं आपको बताता हूँ ये चारों प्रकार का भ्रम श्रद्धा से कैसे दूर होता है। सबसे पहले श्रद्धा को पहचानो। आपके अंदर श्रद्धा है या नहीं बोलो, है ना? किस पर श्रद्धा है? देव शास्त्र और गुरु पर। श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा का मतलब क्या है?
तुमने कह तो दिया कि देव शास्त्र और गुरु के प्रति श्रद्धा है, कैसे मानो की श्रद्धा है? अरे श्रद्धा कहो, विश्वास कहो, आस्था कहो, भरोसा कहो, ये तो पर्यायवाची शब्द है। श्रद्धा क्या है बोलो? हाँ, ये जो है वही सही है, इसी में हित है, इसी में कल्याण है, जो है सो सही है, यही है, ऐसा ही है, इस प्रकार के भाव का नाम श्रद्धा है। भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान जो है एकदम सही है, यही मेरे लिए कल्याणकारी है, इनमें ही मेरा हित है, यही जीवन का वास्तविक रूप है, शास्त्र में जो वर्णित है उसमें ही मेरा हित है, और गुरु जिस पथ पर चल रहे हैं उसी में मेरा कल्याण है, वही सही है, वे ही मेरे तारणहार हैं, उसी से मेरे जीवन का उद्धार है, इस प्रकार का विश्वास ही श्रद्धा है। है श्रद्धा, और जिसके मन में श्रद्धा हो जाएगी उसका भ्रम सब दूर हो जाएगा। श्रद्धा प्रगाढ़ होनी चाहिए। हमने जब तक भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं की तब तक दुनिया के प्रति मेरा झुकाव था, मेरे मन में भ्रम था। अब भगवान की इस वीतराग मुद्रा को मैंने देखा तो उस वीतराग मुद्रा को देखते ही मुझे मेरी आत्मा का आभास होने लगा, अरे ये जीवन का वास्तविक रूप है, हित इसमें ही है, कल्याण इसमें ही है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अद्य भवत सफलता ने नद्वयस देवत्दीय चरणाम्बुज वीक्षणेन अद्य में छालितम गातम नेत्रे च विमलीकृते स्नातोऽहं धर्म तीर्थेषु जिनेन्द्रतो दर्शनात्। अद्य में प्रतिभासते संसार वारदिरियम चुलक प्रमाणम। हे भगवान, आज आपकी शरण में आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है मेरे दोनों नयन सफल हो गए। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे संसार सागर मेरे लिए चुल्लू बराबर हो गया है। आज आपके दर्शन से मेरा रोम रोम प्रक्षालित हो गया, मेरे हृदय में आनंद है, क्योंकि आपके उस बीत राग छवि को देखकर मुझे मेरे भीतर की बीत राग आत्मा का आभास हो रहा है। ये प्रतीति मुझे हो रही है। जीवन का शाश्वत सुख और रस यदि है तो आपके चरणों में है, और वह आपने अपनी आत्म पुरुषार्थ के बल पर प्रकट किया है। आपके चरणों में आने के बाद आज मेरा देहात्म बोध टूट गया है, मेरा भ्रम छूट गया है, मुझे समझ में आने लगा है मैं देह नहीं चेतन हूं। ये श्रद्धा ही तो भ्रम को तोड़ती है। कभी भगवान के चरणों में जाने के बाद ऐसी अनुभूति हुई? शास्त्रों में कहते हैं कि जिन बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन हो जाता है, होता है। तो जिन बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? वो श्रद्धा ही तो है जो तुम्हारे भ्रम को दूर करती है। श्रद्धा जो भगवान के स्वरूप की तरफ हमारी दृष्टि केंद्रित करे, वो श्रद्धा बलवती हो जाए, जीवन बदल जाए। श्रद्धा में बहुत बड़ी ताकत है जो हमारी सारी दुर्बलताओं को दूर कर देती है। मैं औरों की बात नहीं, अपनी बात कहता हूँ। श्रद्धा से भ्रम कैसे टूटता है? परम पूज्य गुरुदेव की शरण में आने से पूर्व, उनके दर्शन से पूर्व मेरी मुनियों पर कोई श्रद्धा नहीं थी। मुनियों पर क्या, मेरी धर्म में ही श्रद्धा नहीं थी। जो कुछ भी थोड़ा बहुत धर्म कर्म करता था, पारिवारिक संस्कार और दबाववश, घर का दबाव था इसलिए मंदिर कभी कभार चले गए, थोड़े बहुत संस्कार थे जो नमोकार बोल लेता था, लेकिन धर्म के प्रति जो रुचि, जो श्रद्धा, जो विश्वास होना चाहिए वो मेरे मन में नहीं था। बल्कि साधु संतों के प्रति मेरे मन में एक दुर्धारणा थी, कुधारणा थी कि जिनको कोई काम नहीं होता वो साधु बनते हैं।
लेकिन जैसे ही मैंने गुरुदेव के दर्शन किए, पहली बार जिस दिन मैंने गुरुदेव के दर्शन किए, वो रूप स्थायी रूप से मेरी मानस पंकज पटल पर अंकित है, जैसे ही दर्शन किए मेरे मन में आया कि जीवन का सच्चा रूप यदि कोई है तो यही है, और जीवन का श्रेष्ठ मार्ग कोई है तो यही है। मेरी रुचि बदल गई, मेरा भ्रम टूट गया। किससे टूटा? श्रद्धा से टूटा। तो शरीर और आत्मा की भिन्नता का बोध श्रद्धा से होगा, परमे सुख मानने का भ्रम श्रद्धा से टूटता है। गुरुदेव को देखा, अरे इनसे ज्यादा प्रसन्न आत्मा इस संसार में मैंने नहीं देखा, जिनके पास बाहर के एंजॉयमेंट के कोई साधन नहीं है और संसार के सारे सुख भोग की चीजें रखने के बाद भी लोगों का मुंह लटका रहता है, सच्चा सुख यहां है, ये भ्रम था, ये यथार्थ है। पर मैं सुख मानने का भ्रम, सारी दुनिया की दौलत जोड़ लेने के बाद भी रात दिन आकुल व्याकुल, और ये फकीरी का जिंदगी जीवन जीने के बाद जिनके पास तिल तुस मात्र भी परिग्रह नहीं है वे आनंदित। वाकई में आनंद का मूल तो यही है, धन पैसा और दुनिया की चीजें तो कोरी मृग मरीच का है, ये श्रद्धा के बदौलत ही दूर होती है। और नश्वर को शाश्वत मानने का भ्रम तो उसी पल टूट जाता है जब हम किसी वीतराग निर्गंथ की शरण में आ जाते हैं, जिनसे आप कहते हैं जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला है, वो दर्शन करा देते हैं। सारा भ्रम टूट सकता है बशर्ते तुम्हारे हृदय में श्रद्धा हो, है ना? आगे चलू। तो श्रद्धा से भ्रम टूटता है। आज बात मुझे श्रद्धा की करनी है। श्रद्धा चार बातें करूंगा, श्रद्धा, अश्रद्धा, अंधश्रद्धा, अटल श्रद्धा। क्या चारों में श्रद्धा है? श्रद्धा, अश्रद्धा, अंधश्रद्धा, अटल श्रद्धा। तुम लोगों में श्रद्धा तो है कि नहीं है? हाँ, अरे महाराज श्रद्धा नहीं होती तो इतनी गर्मी में आपके पास आते क्या? बड़ी श्रद्धा लेकर के आए, है ना? कैसी श्रद्धा है? अटूट। वो तो अभी थोड़ी देर में पोल खुलेगी, पता लग जाएगा, थोड़ी देर में चलता हूँ। श्रद्धा तो है, मैंने माना, पर श्रद्धा कैसी है ये पेचित पहले टटोलना है। श्रद्धा है या नहीं? दो तरह के लोग होते, एक श्रद्धालु एक अश्रद्धालु। जो अश्रद्धालु उन्हें किसी उपदेश देने की जरूरत नहीं है, क्यों? कि उनके धर्म कर्म पुण्य पाप इनसे कोई श्रद्धा नहीं, उनका कोई विश्वास नहीं, उनका कोई भरोसा नहीं, वे अपनी दुनिया में जीते हैं। वे एक प्रकार से नास्तिक किस्म के लोग होते हैं, उनके लिए क्या कहें, उनकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत उनकी है जिनके अंदर श्रद्धा है। हमारे यहाँ कहा गया उपदेश उसे दो जो अपनी आत्मा का हित चाहे, स्वहितमुपलिप्सु, जो अपनी आत्मा का हित चाहे उसको उपदेश दो। जिसके हृदय में श्रद्धा है वे धर्म उपदेश के पात्र हैं। तुम सब श्रद्धा लेकर के आए हो, पर अपनी श्रद्धा की पड़ताल करके देखो मेरे अंदर श्रद्धा है या नहीं। पहली बात है तो जरूर, किस पर है? देव शास्त्र गुरु पर है, धर्म पर है, तत्व पर है। श्रद्धा है पक्की, ध्यान रखना। श्रद्धा मेरी है तो वो होनी चाहिए, लेकिन कई बार हम श्रद्धा की बात करते हैं पर वो श्रद्धा अंधश्रद्धा का रूप ले लेती है। श्रद्धा है, अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। श्रद्धालु बनो, अंधश्रद्धालु मत बनो। महाराज अंतर क्या है? आज आपसे वही बात कहता हूं। भगवान पर मेरी श्रद्धा है, पक्की श्रद्धा है ना? देव गुरु धर्म पर मेरी श्रद्धा है,
ये पक्की श्रद्धा है, किस प्रकार की श्रद्धा है। बीच राग भगवान की शरण में जाते हो, तुम्हारी क्या श्रद्धा है भगवान के चरणों में? छींक आई और एक श्रीफल लेकर पहुंच गए, थोड़ी सी तकलीफ हुई भगवान की शरण में चले गए, यही है तुम्हारी श्रद्धा? तुम्हारी श्रद्धा क्या है कि भगवान के चरणों में जाओ सब संकट का निवारण हो जाएगा, यही श्रद्धा है ना? भगवान के पास जाओ सब मुश्किलें टल जाएगी, यही श्रद्धा है ना? भगवान के पास जाओ भगवान पार लगा देंगे, यही श्रद्धा है ना? बोलो, यही श्रद्धा का पाठ पढ़ाया गया बचपन से हमें, तुम्हें सबको। एग्जाम के दिन आए मंदिर चले जाओ, रिजल्ट पेपर अच्छे जाएंगे। रिजल्ट निकलना है पहले भगवान के दर्शन कर लो, पास हो जाओगे। ये श्रद्धा है हमारे हृदय में, ऐसी श्रद्धा भरी गई है। पर मैं आपसे कहता हूँ, थोड़ा पड़ताल करो, क्या ये श्रद्धा सही है? ऐसी श्रद्धा का हाल क्या होता है? काम हो गए तो अंधभगत, अरे काम नहीं, अरे यार यहां तो कोई फायदा ही नहीं। श्रद्धा कब अश्रद्धा में पलट जाए कोई पता नहीं। सच्चाई ये है कि जिसे तुम श्रद्धा कह करके पुकारते हो उसके अंदर अश्रद्धा है। पल में लोग कहते श्रद्धा टूट गई, रे पैदा ही नहीं हुए थे, टूटेंगे क्या? हम भगवान की सेवा करें, भगवान की पूजा करें, किसके लिए करें, यह हमें समझने की बात है। श्रद्धा रखो उनके स्वरूप को समझते हुए, ये मेरे तारणहार हैं, इनके माध्यम से मुझे तत्व का ज्ञान मिला, बोध मिला, आत्मा की पहचान हुई, आत्मा की परख मिली, इनकी शरण ग्रहण करके मैं अपनी आत्मा का उद्धार करूंगा, ये श्रद्धा तो सही श्रद्धा है। लेकिन कुछ भी हो भगवान मुझे पार लगाएंगे, ये श्रद्धा थोड़ा सोचने लायक है, सोचने लायक है। ये श्रद्धा है कि अनुबंध है? आप देखिए बहुत सारे लोगों के अंदर आजकल कैसी श्रद्धा होती है, कुछ तीर्थों में, कुछ मंदिरों में, कुछ वेदियों में तो लाइन लगी रहती है, क्या ये भगवान बड़े चमत्कारी है, वहाँ लाइन लगी और कहीं कोई जाता भी नहीं है। तो तुम बताओ जहाँ तुम जाकर लाइन लगा रहे हो वो किस श्रद्धा से लगा रहे हो? आत्मश्रद्धा से या किसी भौतिक पिपासा से भरकर? हाँ, भौतिक पिपासा से। क्या इसको आप सही मानोगे? ये क्या श्रद्धा तुम्हारी सम्यक श्रद्धा कहलाएगी? महाराज आज तो आपकी बात थोड़ी बिल्कुल अलग लग रही है, तो फिर तो भगवान के पास जाना ही बंद कर दें। भगवान के पास जाओ पर सच्चे भगत बन करके जाओ, पुजारी बनकर भगवान के चरणों में जाओ, भिखारी बनकर नहीं। तुम लोग क्या करते हो भगवान के पास जब कभी भी जाते हो? मांग भरा चित्त लेकर जाते हो, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मुझे वो दे दे, मेरा भगवान मुझ पर बड़ी कृपा करता, सब दे देता है। ऐसा लोग कहते भी हैं, मानते भी हैं, पर बंधुओं ये बातें ठीक नहीं। हमारे भगवान तो बीतराग हैं, न वो लेते हैं न देते हैं, लेकिन फिर भी हम सब चीज़ें भगवान से जोड़ देते हैं, है ना? अरे भाई थोड़ा सोचने की बात है, यदि भगवान हमें सुख देता है, अगर ये माने भगवान यदि हमें सुखी बनाता है, यदि हम ये माने तो दुखी बनाने का आरोप भी भगवान पर ही आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा?
और आप लोग भगवान को सुनाई देते हो, भगवान मेरी सुनता नहीं है। तो भगवान सुनेंगे नहीं, भगवान किसी की नहीं सुनते। भगवान सबको कहते हैं अपनी सुनो, दूसरों के पास गुहार लगाओगे भिखारी बने रहोगे। भगवान वीतरागी है, न लेते हैं न देते हैं। जिसके हृदय में भगवान के वास्तविक स्वरूप पर श्रद्धान होता है वो भिखारी बनकर के भगवान के चरणों में नहीं जाता है, वो पुजारी बनकर के जाता है। एक सेठ ने एक मंदिर बनाया, रोज भगवान के चरणों में स्वर्ण थाल में पूजा की सामग्री लेकर के जाता, पूजा करता और रोज कुछ न कुछ भगवान से मांगता। भगवान तूने मुझे अपार धन दिया, सुंदर सी पत्नी दी पर अभी बच्चा नहीं दिया, बच्चा दिया स्वास्थ्य नहीं दिया, कभी ये नहीं दिया कभी वो नहीं दिया, भगवान से कुछ न कुछ मांगता, रोज का क्रम था। और एक अंधा भिखारी उसी मंदिर के दरवाजे पर बैठकर रोज भीख मांगा करता था। जब मंदिर खाली हो जाता तो बड़े भाव भक्ति से भगवान के दर्शन करता, भगवान से अपना निवेदन करता। एक रोज सेठ कहीं बाहर गया था, लौट कर आया तो मंदिर लेट आया और जैसे ही मंदिर पहुंचा तो देखता क्या है, वो भिखारी से भगवान कुछ बात कर रहे, भगवान भिखारी से बात कर रहे। वो एकदम त्योरिया चढ़ा लिया, अरे भगवान को भी पसंद आया तो भिखारी, मंदिर मैंने बनाया, पूजा मैं करता हूँ, भोग मैं लगाता हूँ और बात इस फटीचर से। खड़े हो गया। एक तरफ भगवान ने भिखारी से कहा कि देख तू अंधा है, रोज मेरे दर्शन के लिए आता है, एक काम कर मेरी आंखें ले ले तुझे दिखने लगेगा। भिखारी ने कहा प्रभु मुझे आंखें लेने से कोई जरूरत नहीं, मुझे आंखें लेने की कोई इच्छा नहीं। अच्छा है आपके पास आंखें हैं, मेरे पास आंखें नहीं है तो क्या हुआ, आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाती है, मैं निहाल हो जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप आंखें मत दें, क्योंकि अभी आंखें नहीं हैं तो आपको नहीं देखता तो क्या हुआ, दुनिया में किसी को नहीं देख पाता, अगर आंखें आ जाए तो पता नहीं और किसको किसको देखने लगूंगा और आपको भी भूल जाऊंगा, इसलिए मैं बिना आंख के ही अच्छा। इतना सुनना बात पूरी हुई सेठ आदम का और भगवान को उलाहना देना शुरू कर दिया, ये भगवान ये क्या मचा रखा आपने, आपने क्या मचा रखा, यही आपको पसंद आया, वो क्या आपकी भक्ति करता, भक्ति तो मैं करता हूँ, मैं आपका असल पुजारी हूँ। भगवान ने कहा सेठ मैं पुजारी की तलाश कर रहा था पर अभी तक तो मेरे दरबार में सब भिखारी आए, मैं पुजारी की तलाश में था पर अभी तक तो जितने भी आए सब के सब मेरे दरबार में भिखारी ही आए हैं। तू जिसको भिखारी समझता है मेरी दृष्टि में भिखारी नहीं पुजारी है, क्योंकि आज तक तू जब भी आया रोज मुझसे कुछ मांग करके गया है, जो मांगता है वो भिखारी है, लेकिन ये पहला भगत है जो मेरे पास आया मैं देना चाह रहा हूँ वो इनकार कर रहा है, वो पुजारी है। तुम बोलो भगवान की शरण में आते हो कुछ पाने के लिए आते हो या कुछ छोड़ने के लिए आते हो, पाने के लिए, कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए, ये हमारी कमजोरी है, इस कमजोरी का निवारण होना चाहिए। तो क्या महाराज भगवान देते नहीं, नहीं देते तो नहीं देते तो महाराज सारी स्तुतियों में क्यों बोलते हैं नरेंद्रम फरिंदम अपुत्रिन को पुत्र दीने, क्या बोलते हैं आप लोग, जो पुत्रहीन है उसको पुत्र दे दिया, धनहीन को धन दे दिया, हाँ दरिद्र को दीने अपुत्रिन को पुत्र कीने, ये लाइन है मुझे याद नहीं, हाँ ये आप बोलते हो तो क्या ये गलत है, गलत नहीं, वो अपनी जगह सही है, हमारी समझ गलत है। हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए, हमारी पद्धति है, जब भी हम कोई अच्छी उपलब्धि करें तो उसका श्रेय बड़ों को दिया जाता है, जब भी हमें कोई उपलब्धि हो
तो उसका श्रेय बड़ों को दिया जाता है, और जब भी हमें कोई आघात पहुँचे उसकी जिम्मेदारी खुद पर ली जाती है। ये हमारी परंपरा है। हमने दिया एक बहुमानवश, कृतज्ञतावश, भक्तिवश, भगवान आपने किया, भगवान कुछ नहीं करते। जैसा अभी मैंने बोला, भगवान हमें सुखी करेंगे तो दुखी करने का भी आरोप उन्हीं पर लगेगा। व्यवहार में हम बोलते हैं आपकी कृपा का फल है, ये आपकी कृपा का फल है। एक बार एक परिवार आया, उनके साथ बच्चा था एक। मैंने पूछा है बच्चा किसका है, दोनों ने हाथ जोड़ा, बोला महाराज आप ही का। आप बोलो भाई वो मेरा बच्चा कहाँ से हुआ। लेकिन व्यवहार में बोला जाता है ना, यही व्यवहार है। अब वो कोई कह दे कि महाराज का बच्चा है और लोग कह दे महाराज कैसे बाल ब्रह्मचारी, उनका तो बच्चा है। लेकिन आप ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि व्यवहार में बोला जाता है। ऐसी स्थिति भगवान के साथ है, व्यवहार में केवल कहा जाता है, कहा जाता है, उसे हम जाने समझे उस अनुरूप अपना जीवन जिए तो हमारा जीवन धन्य होगा। लोग व्यवहार में ऐसा कहते हैं। देखिए, हम कर्ता भाव, अपना कर्तृत्व तो भगवान पर क्यों आरोपित करते, घटना बताता हूँ। एक जोहरी था, उसका बेटा इकलौता बेटा था, पर बेटा क्या था, एकदम निखट्टू। पिता की मृत्यु के बाद अपने सारी संपत्तियाँ बेचना शुरू कर दिया, एक एक करके सारी संपत्ति खत्म हो गई। अब दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। उसके जाते ही उसके सारे दोस्त यार किनारा काटने लगे, उसे आर्थिक तंगी आई, घोर आर्थिक तंगी। उसके पिता ने कहा था जब तुझे बड़े संकट हो तो तू अपने चाचा के पास जाना। पिता की बात याद आई और वो अपने चाचा के पास चला गया। चाचा से कहा, वो भी जोहरी था जो पिता का मित्र था, बोला मैं बिल्कुल कंगाल हो गया हूँ, कुछ उपाय बताए। चाचा ने कहा, अरे बेटा तू अपने आप को कंगाल बोलता है, तू तो आज भी करोड़पति है, तू तो आज भी करोड़पति है, तू कंगाल कहाँ। चाचा आप मजाक क्यों कर रहे, फटे हाल सुबह खाऊं तो शाम का ठिकाना नहीं, आप कह रहे करोड़पति है, एक टूटा सा मकान भर बचा और कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया, मैं कहाँ का करोड़पति। बोला बेटा मैं तुझे मजाक नहीं कर रहा हूं, तुझे सत्य बता रहा, जा तू अपने घर का दक्षिण कोना खोद। चाचा खोदूंगा तो घर भी ढह जाएगा, मैं तो हूं, जा तू खोद अपने घर का दक्षिण कोना। कहने पर वो घर गया, अपने घर का दक्षिण कोना खोदा, पर क्या था, थोड़ा सा खोदते ही तहखाना निकला और तहखाना में बड़ा खजाना। आंखें चुंधिया गई रत्नों के झिलमिल प्रकाश से, आया उल्टे पांव, चाचा संभालो अपनी संपत्ति, ये आपकी कृपा, वहां तो अपार धन, आपने मुझे निहाल कर दिया, आपने मुझे मालामाल कर दिया, धन्य हो आप नहीं होते तो मैं तो फटे हाल था, कंगाल था, ये सब आपका दिया हुआ, ये सब आपकी कृपा, ये सब आपकी करामात है, आप धन्य हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ये उद्गार निकल रहा है, निकलेगा कि नहीं, तुम्हारे साथ भी होगा तो यही कहोगे ना। ये बताओ चाचा ने कुछ दिया क्या, पर वो कहता मेरा कहाँ, मेरा होता तो मुझे पहले मिल गया होता, आपने नहीं बताया होता और मैं इस मकान को भी बेच दिया होता तो मेरा क्या होता, ये सब आपका ही दिया हुआ है। यही व्यवहार में कहा जाता है, एक सभ्य मनुष्य यही कहता है। ऐसी जब हम अपनी आत्मा के वैभव को भूल बैठते हैं और भगवान की शरण में आने के बाद हमें उस वैभव का भान होता है तो हमारे हृदय से वही कृतज्ञता भरे उद्गार निकलते, भगवान ये सब आपकी कृपा से हुआ है, ये आपने दिया है, ये आपका किया हुआ है, आप ही मेरे तारणहार हो। वस्तुतः कर्म सिद्धांत पर विश्वास होना चाहिए, कर्म कांड पर नहीं। एक बार एक दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर मेरे पास आई, जैन नहीं थी,
पर जैन दर्शन से प्रभावित थी। उन्होंने मुझसे कहा, महाराज जी, मुझे जैन दर्शन की सब बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि जैन लोग ईश्वर को तो मानते हैं, ईश्वर के कर्तृत्व को क्यों नहीं मानते? ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के कर्तृत्व पर विश्वास क्यों नहीं करते? देखिए न, हम पर ईश्वर ने कितनी बड़ी कृपा की, देखिए न, हम पर ईश्वर ने कितनी बड़ी कृपा की। मेरे पति की दोनों किडनियाँ खराब हो गई थी, उसने ठीक कर दी। देखिए न, ईश्वर ने हमारे पति पर कितनी बड़ी कृपा की, उसकी दोनों किडनियाँ खराब हो गई थी, ईश्वर ने ठीक कर दी। मैंने कहा, मैडम, अगर यही बात है तो मुझे आपकी ईश्वर पर संदेह। मैडम, यदि यही बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह है। उसने पूछा, क्या बात है? मैंने कहा, अगर आपके ईश्वर को किडनी ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों की? किडनी ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों की? उन्होंने कहा, महाराज, एक बात तो समझ में आई, पर आप लोग फिर जब ईश्वर कुछ देते लेते नहीं तो आप ईश्वर की उपासना क्यों करते हैं, भगवान की पूजा क्यों करते हैं? मैंने पूछा, आप दर्पण देखते? बोले, हाँ देखते। बोले, क्यों? इसलिए कि चेहरे में कोई दाग धब्बा नहीं है। मतलब दर्पण देखते हैं तो दर्पण आपके चेहरे के दाग धब्बे को साफ कर देता? नहीं नहीं महाराज, दर्पण हमारे चेहरे के दाग धब्बे को साफ नहीं करता। दर्पण में हम अपने दाग धब्बे देखकर स्वयं उसे साफ करते हैं। दर्पण हमारे चेहरे के दाग धब्बे को साफ नहीं करता, दर्पण में हम अपने चेहरे को देखकर स्वयं उसे साफ करते हैं। मैंने कहा, बस यही भूमिका भगवान की है। भगवान हमारे जीवन का कोई दाग साफ नहीं करते, पर वो एक दर्पण है जिनमें हम अपने प्रतिबिंब को देखकर अपने विशुद्ध भावों से दाग धब्बे को साफ कर देते हैं। बस यही भगवान की पूजा अर्चा का ध्येय होना चाहिए। भगवान के प्रति श्रद्धा रखो, सम्यक श्रद्धा रखो, जो तुम्हारे सारे भ्रम का निवारक बने, सारी भ्रांतियां निर्मूल कर दे, जीवन और जीवन की व्यवस्थाओं का स्पष्ट भान करा दे। वो श्रद्धान तुम्हारे हृदय में गहराना चाहिए। अगर एक बार गहरा गया तो फिर तुम्हें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं होगी। तो ये श्रद्धा हुई। क्या महाराज इसे मिथ्यात्व कहेंगे? मिथ्यात्व भले ना कहें, पर ये श्रद्धा की दुर्बलता जरूर कहलाएगी, और ये दुर्बल श्रद्धा हमें कहीं ना कहीं ढकेल देगी, गर्त में गिराएगी। सम्यक श्रद्धा होनी चाहिए जो हमें भावपार लगाने में साधक बने। दूसरी बात, इसी अंधश्रद्धा का एक दूसरा रूप है जो दुनिया में देखा जाता है। आने वाले दिनों में मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन दुनिया में धर्म के नाम पर चाहे जो कुछ कर लो, ये हिंदुस्तान है, रोज़ एक देवता प्रकट होता है। ऐसे अंधविश्वासी लोग हैं जो ढेर सारे रूढ़िवादी विचारधाराओं से भरे रहते हैं, उल्टे सीधे कुकृत्य करते रहते हैं, कर्म कांडों में उलझे रहते हैं, ये कर लेंगे तो वो होगा, ये कर लेंगे तो वो हो जाएगा। 70 मड़िया पूजने वाले लोग, ये घोर अंधविश्वासी है। कभी इधर कभी उधर, वस्तुतः भगवान के चरणों में जाते कम हैं, मन्नत मनौतियाँ मनाते हैं और अवसर के अनुसार करते हैं। एक भगवान को टेस्ट किया इधर नहीं तो दूसरे को, दूसरे को नहीं तो तीसरे को, जैसे एक डॉक्टर के इलाज से ठीक नहीं हुआ तो दूसरा, दूसरे से ठीक नहीं हुआ तो तीसरा। ये अंधश्रद्धा है। इस श्रद्धा से बाहर आइए, ये तुम्हारा उद्धार नहीं करेगा। क्या करना है? अटल श्रद्धा रखनी है। क्या रखनी है? अटल श्रद्धा का मतलब, सूरज पूरब से पश्चिम हो जाए, मेरी श्रद्धा न डगमगाए। प्रगाढ़ श्रद्धा, इदमेव ईदृशमेव तत्त्वं नान्यं न चान्यथा इत्तकं पाय सम्भवत् सन्मार्गे संशया रुचि। सब कुछ उलट पुलट हो जाए पर मेरी श्रद्धा रंच मात्र भी न डगमगाए। वो श्रद्धा प्रगाढ़ होनी चाहिए। चाहे जो कुछ भी हो, मार्ग तो यही है, ऐसा ही है। ऐसी श्रद्धा बलवती बनाओ। है तुम्हारे अंदर ऐसी श्रद्धा? बोलो। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं
मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात बताता हूँ आपको, जो कहने को कथित रूप से विशुद्ध सम्यक दृष्टि कहते थे अपने आप को, समझ गया ना। आजकल तथाकथित विशुद्ध सम्यक दृष्टियों का एक ग्रुप है, तो उसके वो मुखिया थे और अपने आप को इतने विशुद्ध सम्यक दृष्टि मानते थे कि मुनि महाराज अगर नज़र पड़ जाए तो मुंह फेर ले, ऐसे सम्यक दृष्टि, एकदम अलग प्रकार की प्रवृत्ति। लेकिन उनके घर में एक बहू को कुछ चक्कर हो गया, ऊपरी बाधा का। अब ऊपरी बाधा का चक्कर परेशान, तो 10 तरह के ठटकरम कराए, एक मजार में चादर भी चढ़ाए, कहने को अपने आप को विशुद्ध सम्यक दृष्टि मानने वाला जीव मजार में जाकर के चादर भी चढ़ा लिया, सारा तत्व ज्ञान एक तरफ धरा रह गया, कर्म सिद्धांत की बातें करने वाले थोते कर्म कांडों में लग गए, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उस स्थान से हमारा विहार हुआ। उनका एक मित्र था, उनके मित्र ने मुझसे कहा, महाराज बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, सब तरह के ठटकरम कर लिए, आप उनका अगर मार्गदर्शन कर दो, कोई उपाय बता दो तो ठीक होगा। बोले भाई जो ठटकरम वो किया वो तो मैं जानता ही नहीं, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया नहीं। नहीं महाराज, आपके मोटिवेशन से कुछ फर्क पड़ेगा, आप देखिए। बोले देख ले, लिया, अगर मेरे पास लाने से कोई उद्धार हो जाए किसी का तो क्या बुराई है, पर वो मेरे पास आएगा मुझे इसमें संशय है, क्योंकि अभी तो देखता है तो मुँह इधर कर लेता है। नहीं महाराज आ जाएगा, मैंने उससे कहा है, तो बस उसने कहा नहीं महाराज कृपा करेंगे तो मैं आऊँगा। बोले चलो, अब उसका सम्यक दर्शन जगने का समय आ गया है लगता है। उस गांव से बिहार हुआ, ऐसे लोग होते हैं, सामने नहीं आते, गांव से निकल जाने के बाद आते हैं। वो आया, सब बातें बताई, मैंने उनकी पूरी बातें सुनी, साथ में उस बहू को भी लेकर के आया, मैंने देखा उसका पूरा हिस्ट्री जाना, मुझे मामला विशुद्धतया साइकिट्रिक दिखा, साइकिक मामला था। मामले की जड़ में बात यह थी कि उसका अपने मायके वालों से पटती नहीं थी, भाई भौजाई से पटती नहीं थी, एक किसी विवाह के कार्यक्रम में गई थी, गर्मी का समय था और आपसी मनमुटाव के कारण ढंग से खाई पी नहीं, रात में सोई नहीं, दिमाग में गर्मी चढ़ गई और वो आए माए बकना शुरू कर दी, इनको लगा भूत लग गया। अब वो ऊपरी बाधा ऊपरी बाधा की बातें की, मैंने उन्हें समझाया, कर्म सिद्धांत का बोध कराया, आत्मा के प्रति उनको झुकाव को बढ़ाया और मैंने उनसे कहा कि भैया कुछ नहीं है, नमोकार मंत्र की जाप करो, कर्म कटेंगे, सब स्थितियां ठीक हो जाएगी और तुम किसी साइकेट्रिक से इनकी चिकित्सा कराओ, किसी मनोचिकित्सक से मिलो, चिकित्सा कराओ और नमोकार मंत्र मैंने उनको लिखने के लिए कहा। आप सुनकर के ताज्जुब करोगे, 3 महीने में नमोकार मंत्र के लेखन से और साथ में उनका इलाज भी चला, वो ठीक हो गई। ये घटना लगभग आज से 15 साल पुरानी है, आज तक भले चंगे। अब वो व्यक्ति की धारणा बदल गई, उसने कहा महाराज बात सही है, जब सिर पर बीतती है, जब किसी के सिर पर बीतती है तो सारा धर्म का श्रद्धान एक तरफ रह जाता है, लोग कुछ नहीं समझ पाते। बंधुओं समझना चाहिए, श्रद्धा रखो, अटल श्रद्धा रखो, गड़बड़ाओ मत, एक बार जो है सो है, इधर उधर झांकने का कोई काम ना हो। लोग कभी इधर से उधर हो जाते हैं, कभी उधर से इधर हो जाते हैं। महाराज आपने कहा तो अब कोई दिक्कत हो, कोई संकट हो, कोई परेशानी हो तो फिर भगवान की पूजा शांति विधान वगैरह न करे, शांति धारा वगैरह न करे। मैं ये नहीं कहता कि मुश्किलों में भगवान की पूजा मत करो, पर मैं आपसे केवल ये कहता हूँ, मुश्किलों की घड़ी में भगवान की पूजा इसलिए न करो कि वे तुम्हारे मुश्किलों को टाल देंगे, अपितु इसलिए करो कि इस पूजा से मैं अपने आप को संभाल लूँगा। बस ये भाव अपने आप को संभालने के लिए करो। कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखो कि अगर कोई दुख प्रसंग आया है तो मेरे अशुभोदय से आया है और अशुभ को काटने का अस्त्र मेरे पास है,
तो शुभ है, शुभ के माध्यम से मैं उसे काटूंगा और काटूंगा, मुझे पक्का भरोसा है ये कटेगा, आज नहीं तो कल कटेगा। अगर कर्म की ताकत प्रगाढ़ होगी तो मेरे को अपनी भक्ति बढ़ानी होगी, और मेरी भक्ति में शक्ति होगी तो कर्म के पटल को कटना ही पड़ेगा, मेरे पास इसके अलावा और कोई दूसरा हथियार नहीं है। ये श्रद्धा न रखो, अटल श्रद्धा। मैना सुंदरी को देखो कैसी श्रद्धा थी उसके अंदर, क्या थी? अटल श्रद्धा थी, तत्व पर श्रद्धा थी, धर्म पर श्रद्धा थी, कर्म पर, कर्म सिद्धांत पर श्रद्धा थी। उसकी इसी श्रद्धा से, कर्म के धर्म के विश्वास से उसके पिता पहुपाल चिढ़ गए और चिढ़ करके एक कोढ़ी से उसका विवाह कर दिया, कोढ़ी से विवाह कर दिया, कोढ़ी श्रीपाल से विवाह हुआ। लेकिन मैना सुंदरी ने क्या कहा, अगर मेरे भाग्य में इसी को पति होना है तो यही सही, और कोढ़ तो तन में है, किसी की आत्मा कहाँ कोढ़ी हुई, ये तो संसार का संयोग है। आज की मैना सुंदरी हो जाए तो, अरे महाराज कोढ़ी से विवाह की बात छोड़ो, विवाह के बाद कोढ़ हो जाए तो दूसरे को खोज लेते है ना, कितना बड़ा अंतर आ गया। लेकिन मैना सुंदरी के हृदय में कितना प्रगाढ़ विश्वास था, कैसी प्रगाढ़ श्रद्धा थी, नहीं अब मेरे पति यही है, अशुभ कर्म के उदय से अगर कोढ़ हुआ है तो जब शुभोदय आएगा तो कोढ़ मिट भी जाएगा, मुझे अपना और इनका कर्म काटना है। और फिर वो क्या की, सिद्ध चक्र विधान की, वो कोढ़ मिटाने के लिए सिद्ध चक्र विधान नहीं की, कर्म मिटाने के लिए सिद्ध चक्र विधान की। कर्म मिटेगा तो कोढ़ अपने आप मिट जाएगा, कोढ़ मिटाने के प्रयास से किए गए विधान का फल मिले इसमें फिर भी संशय है, पर कष्ट कर्म मिटाने के लिए अगर तुम विधान करोगे तो तुम्हारा कष्ट मिटेगा, इसमें कोई संशय नहीं। दृष्टिकोण बदलो, कर्म काटने के लिए धर्म करो, कष्ट मिटाने के लिए नहीं। जड़ को पकड़ो, ऊपर ऊपर मत उलझो, लोग ऊपर की बातों में उलझ जाते हैं, इसलिए आजकल कर्म कांडों का बाहुल्य होता जा रहा है। इस बाहुल्य से अपने आप को बचाइए, चाहे जहां मत लगिए, चाहे जहां मत रमिए। सत्य के श्रद्धानी और अटल श्रद्धानी, आत्मा के स्वरूप को एक बार जान लिया, उसके शाश्वत स्वरूप की एक बार पहचान कर ली, कर्म और कर्मजन संयोगों के सिद्धांत को मैंने एक बार पहचान लिया, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो मुझे विचलित कर दे, कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। तो हमें कहीं भी विचलित नहीं होना है, अपने अंदर स्थिरता बनाए रखना है, देव में, गुरु में, तत्व में, धर्म में प्रगाढ़ श्रद्धा हो, अटल श्रद्धा, उसे ही प्रमाण मानना, और कुछ भी हो जाए डगमगाना नहीं, डगमगाना नहीं। देखिए श्रद्धा होने वाले व्यक्ति कैसे निश्चिंत होता है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, वो भगवान की पूजा कर रहे थे, मिश्री लालजी गंगवाल बछरावा वाले, अब नहीं है दुनिया में, उनके एक बेटे का एक्सीडेंट हुआ, जीप से एक्सीडेंट हुआ, घटना 1992-93 की, एक्सीडेंट हुआ, उस समय वो भगवान की पूजा कर रहे थे, उन्हें सूचना मिली घर के चैत्यालय में भगवान की पूजा करते वक्त कहा गया कि बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ। उन्होंने मुझे आके बताया, महाराज एक्सीडेंट जहाँ मैं था करीब 10-1 किलोमीटर दूर हुआ, मैंने मन में एक ही बात सोचा कि मेरे और मेरे बेटे का संयोग यदि कुछ दिन का और होगा और बेटे की आयु होगी तो उसे कोई हिला नहीं सकता, वो हॉस्पिटल में चला गया है, डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं भगवान की पूजा करूंगा, बाकी जो होगा सो होगा, अगर बेटे का मुंह दिखना मुझे लिखा होगा
तो कोई उसे छिना नहीं सकता, और नहीं लिखा हो तो कोई मुझे दे नहीं सकता। उन्होंने पूरी पूजा की और रोज की अपेक्षा एक पूजा ज़्यादा की शांतिनाथ भगवान की, और उसके बाद अस्पताल में जाकर के बेटे का हाल चाल पूछा। भयंकर एक्सीडेंट था, ऑपरेशन चल रहे थे, बाहर वो इंतज़ार करके नमोकार जप रहे थे, बेटा आज सलामत है। लेकिन उनने एक ही बात कही, मैं पक्की श्रद्धा रखता था कि अगर कुछ होगा मेरे बेटे का संयोग होना होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब ये बताओ, अगर ऐसा हादसा तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के साथ हो जाए तो तुम क्या करते? भागते? वहाँ जाके क्या करते? तुम कुछ कर सकते? आईसीयू में तो डॉक्टर घुसने भी नहीं देता। क्या किया? अटल श्रद्धा। ठीक है, वो अपनी दवा करेगा, मैं यहां दुआ करूंगा, मैं अपना काम करूंगा। भाग दौड़ करने से क्या होगा? विचलित होने से क्या होगा? परेशान होने से क्या होगा? कुछ भी हासिल होने वाला है क्या? बस इतनी सी तो समझ अपने भीतर विकसित करने की जरूरत है। अगर ऐसी समझ तुम्हारे भीतर विकसित हो गई तो जीवन निहाल हो गया। तो मैं आप सबसे कहता हूं, श्रद्धा आपके अंदर है, अश्रद्धा नहीं है। अंधश्रद्धा भी होगी ऐसा मैं नहीं कहता, पर अटल श्रद्धा हो, अपनी श्रद्धा को अटल श्रद्धा में परिवर्तित कर दो तो जीवन एक नई ऊंचाई को प्राप्त करेगा, यह प्रयास होना चाहिए। और अपने जीवन के भावनात्मक परिवर्तन का एक जो श्रेष्ठ उपक्रम है उससे अपने जीवन को रूपांतरित कीजिए। इसी स्वभाव के साथ मैं विराम लूंगा। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।